Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia, and today we have arrived to the last lecture of the series of our medieval history. And इसमें बात करेंगे पेशवास की. पिछले सेशन में हमने बात की थी शिवाजी की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की. लेकिन सवाल ये उठा कि मराठा एम्पायर का क्या हुआ शिवाजी के बाद. इनिशियली जो उनके इमीडिएट सक्सेसर्स थे वो उतना ज़्यादा कहना चाहिए स्ट्रांग नहीं थे. और आप देखेंगे कि जब 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल मराठा एम्पायर वॉज पेशवा. और सारा जितना सेंटर ऑफ पावर है वो पेशवा के हाथ में आ जाता है. तो अभी हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेशवास के बारे में, इम्पॉर्टेंट पेशवास के बारे में. और हम एक और चीज़ जो एड ऑन करेंगे वो है द एंग्लो मराठा वॉर्स. ऑल दो क्लासिफिकेशन में तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है, बट क्योंकि हम मराठास पढ़ रहे हैं तो एंग्लो मराठा वॉर्स भी हम देखेंगे. शुरुआत करते हैं अर्ली पेशवास से. यहाँ तक कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये इतने बड़े पावर सेंटर नहीं बने थे. स्टार्टिंग 1640 में सोनोपन दाबीर से होती है, बट ही वॉज लाइक यू नो अनऑफिशियल पेशवा. उसके बाद श्याम पंत कुलकर्णी आते हैं, ये महाराजा शाहजी भोसले के दौर में होते हैं. मोरोपंत पिंगले जो हैं वो शिवाजी महाराज के पेशवा थे. उसके बाद मुरेश्वर पिंगले आते हैं, वो शंभाजी के वक्त पे पेशवा थे. इन द सेम सीरीज दीज वर द अर्ली पेशवास. यहाँ तक पेशवा का सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है, ऑल्दो ही इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, बट स्टिल यहाँ पे अभी तक उनका वो सिग्निफिकेंस नहीं आएगा एम्पायर में. पेशवास का जो इम्पोर्टेंस शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है जब बालाजी विश्वनाथ, ही वॉज लाइक फ्रॉम 1713 टू 1721, और ये छत्रपति शाहू जी के पेशवा थे. एंड ही वॉज लाइक अपॉइंटेड इन 1713, और वो काफी यंग थे छत्रपति शाहू जब पेशवा जो है बने. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वॉज डन वॉज ये जो पेशवा की पोस्ट थी, अब तक आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया. एंड यहाँ से जब क्योंकि हेरिडिटरी हो गई है एंड नाउ द पेशवा विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड बिकम अ मेजर पावर सेंटर. इम्पोर्टेंस यहाँ आता है जब छत्रपति शाहू के जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने जितने भी मराठा एम्पायर को बहुत ज्यादा पीक पे पहुंचाया. और सबसे बड़ी चीज जो हमने फरूख सियार के टाइम पे पढ़ा था ना, दैट सैयद ब्रदर्स वर डिपोजिंग हिम, वहां पे इनका भी बहुत बड़ा रोल था बालाजी विश्वनाथ का. सो ही वॉज लाइक द फर्स्ट पेशवा, आई कांट से द फर्स्ट पेशवा, बट जब से पेशवाई जो है वो हेरिडिटरी होती है उसमें सबसे पहले यही थे. इसके बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट. यस द मूवी बाजीराव, यू नो दैट होल मूवी इज अबाउट हिम. And he was there from 1721 to 1740. He was the eldest son of Balaji Vishwanath and he was just 20 when he became the Peshwa. Shivaji ke baad kisi ne guerrilla tactics use ki war mein, to wo Baji Rao one tha. He helped central, what he conquered, central India and Rajputana. Aur Gujarat aur Northwest aur Deccan tak unhone matlab sab taraf jo hai apna, empire expand kiya, Maratha empire expand kiya. He raided Delhi in 1738. Important है. बाद में क्या होता है, लेटर ऑन जो शाहू जी थे, छत्रपति शाहू जी थे, उन्होंने बाजीराव को अपना कमांडर भी बना दिया. सो ही वॉज नाउ ही वॉज लाइक द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और इन्होंने जब ये बनने के बाद 1735 में राजस्थान, 1737-38 में दिल्ली, ओडिशा एंड बंगाल बाय 1740 एंड 1740 ही डाइज आफ्टर कंसोलिडेटेड द मराठास पावर. सो द वे ही डाइज वाज करेक्टली डिपिक्टेड इन द मूवी. ही डाइड ऑफ इलनेस. एंड वो जितने भी कैरेक्टर्स और जो कुछ भी उस मूवी में आपने देखी होगी तो वो सारे कैरेक्टर्स सही हैं बाजीराव के. और जो भी द लाइक दैट मस्तानी, यस इट इज़ अ वेल रिकॉर्डेड हिस्ट्री. काशीबाई जो थी वो भी उनकी पत्नी थी, तो सारी चीज़ें जो हैं उसमें सही डिपेक्ट हुई. और आफ्टर हिज डेथ इट वॉज हिज सन, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, और वो पेशवा बनते हैं. अनफॉर्चुनेटली एंड कोइंसिडेंटली वो भी 20 साल के थे जब पेशवा बने. और इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में मराठास को एक्सपैंड किया. बट हिज बिगेस्ट डिफीट वॉज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
between Marathas and Ahmad Shah Abdali in 1761, in which Marathas were, you know, he was they were defeated badly. और उसमें उस बैटल में उनके बेटे विश्वास राव और सदाशिव राव जो कि कजिन थे दोनों, यू नो बोथ ऑफ देम डाइड इन द बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. और ये सुन के जो उनको सदमा लगा, इससे बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई. सो इन 1761 ही डाइड एंड दिस वाज द लास्ट, यू नो कि इसके बाद मराठास विल सी द डिक्लाइन, मराठा एम्पायर विल सी द डिक्लाइन. एंड यहां से क्योंकि अब 1761 के बाद ब्रिटिशर्स का रोल बढ़ेगा. बट स्टिल there was one more Peshwa, it was Madhurao I, who was there from 1761 to 1772. Iske baad bhi Peshwas honge, lekin wo itne significant nahi honge. And ultimately, he was the, you know, kyunki dekho, yahan pe hota ye hai, ki Battle of Panipat mein Vishwas Rao ki bhi death ho jati hai, udhar Sadashiv Rao ki bhi death ho jati hai, aur ye sunke Balaji Baji Rao ki bhi death ho jati hai. So by that, you know, the eldest member of the family, of the Peshwa family, was Madhurao I. Or he became the de facto ruler of the state. Lekin, jo Peshwai ka essence keh lo, ya jo Peshwai ka significance keh lo, wo inki death ke baad khatam ho jata hai. Because he was, you know, he was continuously in war with Nizam, jo Hyderabad Deccan ko rule kar rahe the. उसके बाद इंटरनल टेंशन इतने ज्यादा थे एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ के बाद वाज जो इंटेंस इनस्टेबिलिटी एट पूना बहुत ज्यादा वो था. एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द ब्रिटिशर्स विल कम इन. सो ये कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट पेशवाज हैं जो हमें देखने हैं. कहानी जो मराठास की आपको मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो शुरू होती है यहां से जब एंग्लो मराठा वॉर की बात आती है. प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फ्रॉम 1775 आफ्टर द डेथ ऑफ यू नो माधवराव वन. एंड होता क्या है, उनकी डेथ के बाद सवाय माधवराव और रघुनाथ राव, ये जो इन दोनों के बीच का जो टसल होता है, दिस बिकेम द फर्स्ट रीजन, दिस बिकम द रीजन फॉर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. माधवराव को जो है, सवाय माधवराव को जो सपोर्ट मिलता है, नाना फडणवीस का मिलता है. He was a very important, you know, political person at that point of time in Maratha Empire. Raghunath Rao, इनको भी पेशवा बनना था. तो ये क्या करते हैं, ये रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं और माधवराव के अगेंस्ट ये ब्रिटिशर्स को यू नो कन्विंस कर लेते हैं. बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस वक्त जो थी वो एक एग्रीमेंट करती है रघुनाथ राव के साथ इन सूरत इन 1775 एंड दिस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत. सो ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज बिटवीन रघुनाथ राव एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इस ट्रीटी के हिसाब से इन ऑर्डर टू गेट ब्रिटिश हेल्प एंड टू रिस्टोर हिम पूना, द रघुनाथ राव को अपनी टेरिटरीज एट सेलसेट और बसाई जो है वो ब्रिटिश को देनी थी. और दिस ट्रीटी वॉज एन्यूल्ड बाय द सुप्रीम काउंसिल एट कैलकाटा विच क्वेश्चन द विजडम ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट. तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो तुम ट्रीटी कर रहे हो ना, ये कुछ सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन, अब आप इसको थोड़ा सा ओवरलैप करो. अब क्या हो चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका है और उसमें ये कहा गया कि आप किसी पे भी वॉर करना होगा, किसी के साथ भी बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी को या कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन लेना होगा तो यू हैव टू आस्क द कैलकाटा प्रेसिडेंसी विच वॉज हैविंग द सुप्रीम काउंसिल. सो कैलकाटा प्रेसिडेंसी ने कहा कि सर यू आर रॉन्ग, हम आपकी इस तरीके की ट्रीटी को जो है सपोर्ट नहीं करते. एंड दिस वॉज रिजेक्टेड. द ब्रिटिश एंड द आर्मी ऑफ रघुनाथ राव अटैक्ड द पेशवा एंड वन. पेशवा मीन्स सवाय माधोराव. सो एट दैट टाइम वॉरन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल एंड ही एन्यूल दिस ट्रीटी एंड अ न्यू ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन 1776 बिटवीन कैलकाटा काउंसिल एंड नाना फडणवीस हु वॉज द मराठा मिनिस्टर. तो उन्होंने क्या कहा, ये ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल किया वॉरन हेस्टिंग्स ने. और 1776 में क्या किया, नाना फडणवीस के साथ एक ट्रीटी साइन की विच वॉज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर. सो रघुनाथ राव गिवन वॉज अ पेंशन ओनली एंड सेलसेट वॉज रिटेन्ड बाय ब्रिटिशर्स. सो रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन मिलेगी. और सारा ये जो गेम हुआ इसमें वॉरन हेस्टिंग्स वॉज वेरी क्रिटिकल और उन्होंने ही सारी चीजों को. सो इज दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ब्रिटिश के पास उनकी टेरिटरी वापस आई और रघुनाथ राव वॉज गिवन अ पेंशन. सो ही वॉज केप्ट ऑन पेंशन.
बट द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट बॉम्बे वायलेटेड दिस ट्रीटी एंड शेल्टर्ड रघुनाथ राव। अब इधर ये तो जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसमें तो ये तो कैलकटा से हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स की तरफ से हुई, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स रघुनाथ राव। 1777 में नाना फडनवीस वेंट अगेंस्ट हिज ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल, तो कैलकटा के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसके अगेंस्ट गए और वेस्ट कोस्ट पर फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया। दिस मेड अब क्या हुआ 1777 में, ये हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने बोला था, हमने तो पहले ही कहा था हमारी ट्रीटी मानो, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ फॉरेन रिलेशन, और स्पेशली विद फ्रेंच, जिनके साथ ऑलरेडी उनका दुश्मनी चल ही रहा था कर्नाटक वॉर्स और उस दौर से। सो ब्रिटिशर्स जो हैं पुणे की तरफ बढ़ते हैं विद देयर फोर्सेस और बैटल ऑफ वडगांव होती है, इंपॉर्टेंट है। एंड महादजी शिंदे मराठाज वन दिस बैटल, मराठाज वन दिस बैटल एंड द इंग्लिश वर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव इन 1799। बट देयर वाज अ सीरीज ऑफ बैटल एट द एंड व्हिच ट्रीटी ऑफ सालबाई, दिस ट्रीटी ऑफ सालबाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज साइन इन द ईयर 1782 and this ended the first Anglo-Maratha war. So the बहुत सारी इस सारे battles में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप British राज पढ़ें modern history का, तो वहां पे इस दौर में आप देखेंगे इस 18th century में जितनी battles हुई till मैसूर तक आप देख लीजिए, every battle is followed by a treaty, every battle is followed by a treaty। तो आप ये करिएगा, चाहे वो प्लासी को हटा दीजिएगा, प्लासी वॉज लाइक नथिंग, बक्सर के बाद से आप देखोगे, चाहे वो बक्सर के बाद ट्रीटी हुई, इधर ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, बैटल ऑफ वडगांव के बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, तो एवरी बैटल इज फॉलोड बाय अ ट्रीटी। तो यहाँ पे ये होगा कि आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें बैटल लिखिएगा, कौन कौन द टू पार्टीज वो लिखिएगा, रिजल्ट लिखिएगा, उसका ट्रीटी लिखिएगा अगले कॉलम में, और फिर लास्ट कॉलम में जो ट्रीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So, इससे आपके चार्ट तैयार हो जाएगा, बैटल्स इन द 18th सेंचुरी, लाइक सात बैटल, मतलब तीन तो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, बैटल ऑफ बक्सर है, फिर एंग्लो मैसूर वॉर है, आगे चल के अफगान्स के साथ वॉर होगा। तो इस तरीके की अगर आप टेबल बना लेंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ इस पूरे उसका, द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन द सालसेट एंड ब्रोच, it also obtained a guarantee from marathas that they would retake their possessions in deccan from hyder ali of mysore, aur iske baad aap dekhoge jab anglo mysore war hoga to usme marathas will help britishers, the marathas also promised that they would not grant any more territories to french, french ka unhone role khatam kiya, raghunath rao ko ek pension milegi which was like 3 lakh rupees per annum, all the territories taken by the british after the treaty of purandar were ceded back to marathas wapis lenge, and mother of two, the son of Narayan Rao as Peshwa, he was accepted. So this was like in the treaty of Salbai, ye sara kuch baatein hoti hain, aur iske baad aap dekhoge jab anglo mysore war hoga, when you will read Hyder Ali and Tipu Sultan, wahan pe anglo mysore war mein marathas will be helping britishers initially. Fir aate hain second anglo maratha war pe, from 1803 to 1805, द डिजायर ऑफ द वेलेसले। अब यहाँ पे क्या हुआ 1803-1805 इस दौर में क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेसले का वो आ चुका है, और दिस बिकेम द रीजन टू ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अब इसमें क्या हुआ, सिंधिया, होलकर, भोसले, दे ऑल फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, अगेंस्ट अ बैटल फॉलोड बाय ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट 6,000 ट्रूप्स ऑफ द कंपनीज नेटिव इन्फेंट्री वॉज टू बी परमानेंटली स्टेशन एट पेशवा। तो जो सब्सिडरी अलायंस का एक क्लॉज था कि द ब्रिटिश, देर शुड बी अ ब्रिटिश कंटिंजेंट विच विल बी स्टेशन एट द नेटिव रूलर, तो जो इंडिया के जो राजा महाराजा थे, जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करता उसको अपने खर्चे पे एक ब्रिटिश कंटिंजेंट, एक ब्रिटिश ट्रूप को अपने अपने आर्मी के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, और यही कुछ हुआ पेशवा के साथ। उसके अलावा पेशवा किसी के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकता था विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द कंपनी, और सारा जो भी उनके साथ उनका और जो भी निजाम का है उसमें कंपनी विल ऑल्सो बी द मीडिएटर, और पेशवा ऑल्सो सरेंडर्ड सूरत, तो सूरत भी उन्होंने कंपनी को दे दिया। दिस ट्रीटी वॉज ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल एडवांटेज टू द ब्रिटिशर्स
एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट माइल स्टोन. ऑब्वियसली जब पेशवा ने ही सरेंडर कर दिया, आप देखोगे द लास्ट रेजिस्टेंट टू ब्रिटिशर्स वॉज शोन बाय टीपू सुल्तान हु रिफ्यूज टू साइन सब्सिडरी अलायंस. ही नेवर साइंड सब्सिडरी अलायंस. सो उसके बाद उनकी डेथ के बाद वोडिया डायनेस्टी को लेके आए मैसूर में और उन्होंने साइन की. तो वहां से जो मैसूर का रेजिस्टेंस था वो खत्म हुआ. हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने साइन किया, तो निजाम से रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा था. मुगल्स ऑलरेडी पेंशन पे थे. देयर बिगेस्ट हर्डल वॉज मराठाज, और मराठाज ने भी जब ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किया और उसके बाद उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, सो दिस थिंग होल थिंग वॉज ओवर. और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, इट वॉज एस्टैब्लिश. The armies of Sindhias and Bhosles were defeated by Wellesley at Assai in September 1803 and at Argaon in November 1803 respectively. ठीक है, तो Sindhias were in here and Bhosles were defeated here. There was another treaty of Devgaon which was conducted between Raghoji Bhosle and the company. Sindhia also concluded a treaty of Surji Arjungaon with Britishers and they consented their entry to a subsidiary alliance with Britishers. Or Saras in the Bhosles ne bhi surrender kar diya, they went on treaty and signed the subsidiary alliance. Sindhias ne bhi surrender kar diya, they went and signed subsidiary alliance. It was Holkers of Indore who remained at war with British East India Company, and all this whole drama of the second Anglo-Maratha war was ended by the Treaty of Rajpur Ghat 1805. The Treaty of Rajpur Ghat, 1805. Then we come to the Third Anglo-Maratha War, 1817. Ek saal chala. So Second Anglo-Maratha War, Maratha also, you know, वो तो था ही ना कि मतलब हार गए, हर चीज सरेंडर कर चुके हैं, पेशवाई सरेंडर कर चुके हैं. और लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई इन 1817 की किसी तरीके से, जो है ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ हम लड़के अपना जो भी है the lost you know glory we could get back and we could get back our old positions. So they want to retake all their old positions and kyunki subsidiary alliance ka ek clause ye bhi tha that there would be a British resident sitting in the court of the native ruler. To jo raja maharaja ka jo darbar hota tha usme ek British representative bhi baithega, British resident bhi baithega aur wo unke internal matters ko observe karega. इसमें होता क्या है, जो थर्ड वॉर जो होता है ब्रिटिशर्स का, एंग्लो मराठा वॉर जो होता है, उसका बेसिक रीजन जो होता है दैट ब्रिटिशर्स कॉन्फ्लिक्ट विद द पिंडारीज वाज अ कांट कॉल देम ट्राइब बट काइंड ऑफ ट्राइब वो उस रीजन में थी एंड दे वर सस्पेक्टेड कि ये जो है मराठा जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. पेशवा बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर एंड माधोजी टू भोसले फोर्स्ड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट. So Peshwa plus Holkar plus Bhosle, they forged a united front against the Britishers. Daulat Rao Shinde, the fourth Maratha chief, was pressured diplomatically to stay away, but British victory was swift. Sab kuch tha, lekin phir bhi third Anglo-Maratha war mein bhi Britishers jeet jate hain. The Treaty of Gwalior was signed in 1817 between Sindhias. Shinde ko hi wo Sindhia ho gaye, to Shindes and the Britishers. And even though he has not been involved in the war. Or as per this treaty, he gave up Rajasthan. The Rajas of Rajputana remained the princely state till 1947 after accepting the British sovereignty. So, jo Rajasthan ka hissa jiske upar Sindhias the, Shindes were like Sindhias. Aur uske baad kya hua? Jitne princely state the wahan pe Rajputana ke, wo aap 1947 tak aage bhi dekhoge ki wo princely states hi rahenge after they accepted the British sovereignty. Another treaty, Treaty of Mandsaur. ये थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द होलकर चीफ इन 1818 एंड एन इन्फ्लेंट होलकर्स वर लाइक रूलिंग इंदौर एंड एन इन्फेंट वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन अंडर द ब्रिटिश गार्जियनशिप. तो ये भी इन्होंने होलकर्स को भी सरेंडर करवा दिया. पेशवा सरेंडर्ड इन 1818 और वहां से उन्हें हटा के पेंशन दे के बिठूर इज नियर कानपुर और जो है उनको वहां भेज दिया कि बोले अब आप यहीं रहेंगे, अब आप किसी तरीके से कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे. और जितनी पेशवा की जो भी टेरिटरी थी पूना और आसपास की, उसको क्या कर दिया, उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया.
His adopted son Nana Sahib became one of the leaders of the revolt of 1857. तो जब आप revolt of 1857 देखेंगे तो वहां पे नाना साहेब हैं जो कानपुर में revolt को lead करेंगे, और वो actually adopted son थे. तो ये ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ चुका था, जिसकी वजह से अडॉप्टेड सन जो है अब वो राजा नहीं बन सकता था. सो पेशवा नहीं बन सकता था, राजा नवाब जो भी, यही रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, सतारा में हुआ, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे यू नो स्टेट्स थे, ऐसे किंगडम्स थे जो कि एनेक्स हुए बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट यू कैन स्टडी दैट इन दैट पार्ट. सो और पेंडारी से जो उन्होंने एरिया लिया था वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट बन गया अंडर ब्रिटिश इंडिया. This war led to the end of Maratha Empire. All the Maratha powers were surrendered to the Britishers. The Shivaji, you know, like the obscure descendants, so Maratha Confederacy ka jo bhi, matlab jo bhi Shivaji ke jo bhi vanshaj bache the, unko ek matlab for namesake, jaise Bahadur Shah Zafar was for namesake the Mughal Empire, and the same thing happened there. So this was the last major war, and with this, jaise hi third Anglo-Maratha war hota hai na. उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स वर लाइक लार्जली प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया, एंड दिस एंडेड ऑल द यू नो रेजिस्टेंस क्लेम्स दैट कुड हैव मेड ओवर इंडिया बाय द इंडियन नेटिव रूलर्स. और इसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो अपने पीक पे होगी. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर मेडिवल हिस्ट्री. एक छोटा सा सेशन और बचा है, दैट इज ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट ईयर्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए, मेंस के भी क्वेश्चंस आई राइट इट डाउन, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे. लेकिन अभी क्योंकि टारगेट प्रीलिम्स है तो हम इसको प्रीलिम्स के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है, बिकॉज इफ यू आर आस्क मी फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बट बिकॉज वी हैव डिजाइंड इट फॉर प्रीलिम्स दिस इज अ लिमिटेड पार्ट. आई होप आपने इससे गेन किया. डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल सी यू इन द लास्ट सेशन. कंटेंट पार्ट इज ओवर, जहाँ पे हम लास्ट पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो वो इट विल बी कमिंग सून. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, एंड वॉज रियली नाइस यू नो टीचिंग एंड डिस्कसिंग एंड कमिंग विद इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस वीडियोज. हैव अ ग्रेट टाइम. माई ऑल द बेस्ट विशेज आर विथ यू. आई होप यू ऑल ऑफ यू विल गेट द सक्सेस वन डे और अनदर. योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ. विथ माई बेस्ट विशेज, थैंक यू सो मच.